हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आई एम प्रेम कुमार और आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज गियर। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गियर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे गियर के बारे में, कि कई सारे एग्जाम में, चाहे जेई लेवल के एग्जाम हो या एई लेवल के एग्जाम में हो, तो उसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन का ये जो गियर पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो जेई लेवल में है वो गियर पढ़ना है, गियर ट्रेन हमें नहीं पढ़ना होता है। बाकी एग्जाम में हमें, जैसे एई लेवल के एग्जाम में, गियर ट्रेन के बारे में भी पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम गियर के बारे में देखते हैं कि क्या है गियर और क्या क्या टॉपिक्स हमको एक्चुअली इसमें कवर करना है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो जो जो टॉपिक्स कवर किए, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले गियर का अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो जो सबसे पहला है कि टाइप्स ऑफ गियर, जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। जो दूसरा है गियर टर्मिनोलॉजी, ओके। जो तीसरा है आपका, सबसे पहले टाइप्स ऑफ गियर, उसके बाद गियर टर्मिनोलॉजी, तीसरा है आपका जो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ गियरिंग, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ गियरिंग, जो फोर्थ है आपका टीथ प्रोफाइल, पांचवा पॉइंट है आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट, जिसे हमें पढ़ना है। छठा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट, एंड सेवेंथ पॉइंट दैट इज इंटरफेरेंस, जिसको बोलते हैं हम गियर की मौत। इंटरफेरेंस मींस गियर का मौत, इंटरफेरेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद है आपका अंडरकटिंग। तो ये सारे पॉइंट को हम अच्छे से कवर करेंगे, थ्योरेटिकल अप्रोच भी, न्यूमेरिकल अप्रोच भी, कि ऐसा क्या होता है कि इंटरफेरेंस, कि गियर का मौत होना, अंडरकटिंग क्या होता है, ठीक है। आर्क ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस, नाम सुने होंगे अगर पढ़े होंगे तो। टीथ प्रोफाइल, कि साइक्लोइडल प्रोफाइल क्या होता है, किस तरह से टीथ बनता है, टीथ का जो प्रोफाइल होता है वो दो तरह का होता है, साइक्लोइडल और इन्वोल्यूट प्रोफाइल। तो वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं प्रोफाइल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ गियरिंग, गियर टर्मिनोलॉजी, कि पिच सर्कल क्या होता है, रैंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल क्या होता है, वो सारा हम उसमें, डायमेट्रिकल पिच क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ गियर, हेलिकल क्या होता है, वेवल गियर क्या होता है, स्पर गियर क्या होता है, तो उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स है, 8 पॉइंट है जो हमें गियर में पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। और आप आराम से कोई भी एग्जाम का क्वेश्चंस उठा के लगा लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, जिस तरह से हम तक करेंगे, और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गियर के बारे में, कि क्या होता है गियर, गियर क्यों हम लाए, क्योंकि हम गियर के बिना भी पावर ट्रांसमिशन किया जा सकता था, तो ऐसा क्या हुआ कि गियर लाने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि कोई दो बॉडी है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कोई दो बॉडी है, ओके, दिस इज बॉडी वन एंड दिस वन इज बॉडी टू, ठीक है। सपोज कर लेते हैं दो बॉडी है, बॉडी वन का रेडियस R1 है और ये ओमेगा 1 के स्पीड से मूव कर रहा है। बॉडी 2 है जिसका रेडियस R2 है और ये इसका जो स्पीड है वो ओमेगा 2 है। दोनों एक पॉइंट पे कंटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, दैट नोन पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, ठीक है। हम इसको Q सपोज कर लेते हैं, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम Q से इंडिकेट किए, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दोनों कोई बॉडी है, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें,
पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्यू की बात करें तो यहाँ पे दो स्पीड है। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की बात करें तो वाई बॉडी वन की बात करें तो क्या होगा, बी वन इज इक्वल टू आर वन ओमेगा वन, मीन्स कि जो बॉडी वन का जो वेलोसिटी है वो बी वन आर वन ओमेगा वन है, और बाई बॉडी टू बी टू इज इक्वल टू आर टू ओमेगा टू। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि ये बॉडी रोटेट कर रहा है ओमेगा वन से और ये बॉडी रोटेट कर रहा है ओमेगा टू से। अब कोई एक ऐसा होगा, ठीक है, कोई एक ऐसा होगा जो ड्राइवर होगा। ड्राइवर कहने का मतलब जो हम क्या करते हैं नॉर्मली, ड्राइवर क्या होता है जो गाड़ी ड्राइव करता है, मतलब गाड़ी चलाना। तो एक जैसे इस केस में भी एक ड्राइवर होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ड्राइवर मान लेते हैं कि ये रोटेट हो रहा था, इसके कॉन्टेक्ट में आने से जब ये दोनों टच किया तो वो रोटेट होने लग गया। ठीक है, तो लेकिन उसका स्पीड बी टू आर टू है, आर टू ओमेगा टू है, आर वन ओमेगा वन है। ठीक है, तो ये है। अब ऑल द ड्राइव्स, अब यहां पे देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि समझना है कि होता क्या है यहां पे। अब यहां पे जब दोनों बॉडी एक्चुअली दोनों क्या है जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है आपका, तो इस केस में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहां पे स्लिप हो जाए। ठीक है, नॉर्मली अगर क्या होना चाहिए कि ये जितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसके कॉन्टेक्ट में आके ये भी क्या होगा, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, बॉडी वन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो जो बॉडी टू है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा इसके कंटेक्ट में आके। ठीक है, अब यहां पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि स्लिप भी हो जाए। ठीक है, स्लिप मतलब वहां पे फिसलने लगे, अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फिसल भी सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द ड्राइव वेयर स्लिप इज पॉसिबल, उसको हम बोल देते हैं क्या, निगेटिव ड्राइव। क्या बोलते हैं, जहां पे स्लिप पॉसिबल तो वो ड्राइव क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि हमें वहां पे क्या हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है। पावर तो दे रहे हैं लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, स्लिप होने के कारण मेरा पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाया। तो अगर पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाया मतलब मेरे लिए नुकसान हो गया, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं जहां पे भी स्लिप पॉसिबल हो, ऑल द ड्राइव हेयर स्लिप इज पॉसिबल नोन एज निगेटिव ड्राइव। ओके, एग्जाम्पल में जैसे बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, रोप ड्राइव है, चैन ड्राइव है, तो यहां पे स्लिप पॉसिबल है, तो इसीलिए इस ड्राइव को हम बोल देते हैं निगेटिव ड्राइव। ठीक है, इसीलिए इस ड्राइव को बोला जाता है, अब क्या बोला जाता है इसको, निगेटिव ड्राइव। ठीक है, अब यहां पे दो कंडीशन है, अब स्लिप हो रहा है यहां पे, तो अगर हम स्लिप हो रहा है तो हम एक स्लिप का कंडीशन, नो स्लिप का कंडीशन देखते हैं और एक स्लिप का कंडीशन देखते हैं। नो स्लिप कंडीशन और स्लिप कंडीशन की बात करते हैं, नो स्लिप कंडीशन और स्लिप कंडीशन की बात करते हैं। अब नो स्लिप में क्या होगा, अगर स्लिप नहीं हो रहा है, अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जितना स्पीड से यह मूव कर रहा होगा इतना ही स्पीड से यह मूव कर रहा, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। मींस क्या हम लिख सकते हैं कि बी वन इज इक्वल टू बी टू, लिख सकते हैं, अगर स्लिप नहीं होगा तो जो वेलोसिटी बॉडी वन का होगा सेम वेलोसिटी बॉडी टू का भी होगा। मींस हम क्या लिख सकते हैं कि आर वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आर टू ओमेगा टू, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आर टू ओमेगा टू, या ओमेगा वन बट्टा ओमेगा टू इज इक्वल टू आर टू डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज इक्वल टू आर टू डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर स्लिप का कंडीशन नहीं है तो, अगर बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है तो ये कॉन्स्टेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमेगा वन डिवाइड बाई ओमेगा टू इज इक्वल टू आर टू डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है,
अगर स्लिप नहीं होगा तो दोनों का जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा। दूसरा, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर स्लिप होगा तो ओमेगा वन बट्टा ओमेगा टू कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कभी ये स्लिप करेगा कभी नहीं करेगा, तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि इसमें क्या होगा, आपका नो पावर लॉस, जब स्लिप ही नहीं होगा तो कोई भी पावर का नुकसान नहीं हुआ, जितना पावर दिए वहां पे आपका आउटपुट में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, नो पावर लॉस, ठीक है। और इसमें क्या है, आपका पावर लॉस हो रहा है, ठीक है, नो पावर लॉस और इसमें आपका पावर लॉस हो रहा है। जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यहां पे जो नो स्लिप के केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और इसमें आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ओके। तो ये समझ सकते हैं कि नो स्लिप के केस में क्या बेनिफिट है, क्या क्या होता है, और स्लिप के कंडीशन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा अपॉन ओमेगा टू कांस्टेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा गया है, यहाँ पे वन नहीं लिखा गया, ठीक है, कांस्टेंट और हमें वन कब लिखना है, कांस्टेंट कब लिखना है, ये हम आपको आगे बताएंगे कि ओमेगा वन कांस्टेंट कब होगा, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट तो होगा ही, वन कब होगा, क्योंकि गियर का इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये। अब क्या होता है, कुछ केस में, इन सम केस, कुछ केस में हमें क्या होता है कि जो एक्यूरेसी की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, जो एक्यूरेसी है उसका काफी ज्यादा आवश्यकता होता है, इन सम केस वेरी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी required, high level of accuracy is demanded for the W1 upon W2 is equal to constant in power transmission. ठीक है, मींस क्या देख रहे हैं कि कुछ जगह पे हमें क्या हो रहा है कि हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिमांड है पावर ट्रांसमिशन में, कि W अपॉन W2 हमें कांस्टेंट होना ही चाहिए, W अपॉन W2 कांस्टेंट होना ही चाहिए, और अगर हमें W अपॉन W2 कांस्टेंट होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, यहां पे कहां से हो सकता है, तो देखिए अगर हमें W अपॉन W2 कांस्टेंट करना है तो नो स्लिप का कंडीशन होना चाहिए, और नो स्लिप होने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, नो स्लिप होने के लिए जो हमको चाहिए वो चाहिए क्या, पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव ड्राइव। अब नो, यहाँ पे W अपॉन W2 इज कांस्टेंट इन पावर ट्रांसमिशन मींस स्लिप इज इम्पॉसिबल, बोल सकते हैं कि अगर W अपॉन W2 कांस्टेंट रखना है तो हमें क्या होना चाहिए, नो स्लिप कंडीशन मींस स्लिप आपका वहां पे इम्पॉसिबल होगा, और इस ड्राइव को हम बोलेंगे पॉजिटिव ड्राइव, क्योंकि वहां पे स्लिप आपका बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव ड्राइव, एंड दिस ड्राइव इज नोन एज गियर ड्राइव, इसी ड्राइव को हम बोल देते हैं गियर ड्राइव। तो समझ गए होंगे गियर ड्राइव क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, स्लिप का कंडीशन नहीं होता है गियर में,
इसीलिए हम उसको पावर ट्रांसमिशन में, आप देखते होंगे इतना बाइक है, जितना भी व्हीकल्स है, सब में गियर यूज किया जाता है, क्योंकि हमें जितना पावर दे, हमें हर एक चीज का एफिशिएंसी चाहिए कि जितना ज्यादा ज्यादा हो सके एफिशिएंसी। अदरवाइज अगर हम बेल्ट रोप चेन यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगा। तो इसलिए हम वहाँ पे गियर ड्राइव का यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्म है कि हम गियर ड्राइव यूज क्यों करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बेल्ट रोप चैन निगेटिव ड्राइव होता है, किस तरह से होता है स्लिप कंडीशन में, ठीक है, और गियर ड्राइव क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के गियर होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ गियर, वो भी किस किस बेस पे होते हैं, कि अगर उसका एक्सिस है, जो गियर का दो शाफ्ट का एक्सिस है वो पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे फोर व्हीलर में कि आपका क्या होता है, इंजन आगे होता है और पीछे तक ड्राइव जाता है, वो किस तरह से जाता है, ठीक है, इंजन आगे है, कभी कभी इंजन देखते होंगे जैसे वो ट्रक में ही देखते हैं, ड्राइवर के बगल में गियर होता है, ठीक है, एक लंबा सा कपलिंग के थ्रू पीछे जाता है, वो पीछे से मतलब पीछे वाले व्हील में ड्राइव होता है, वो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा किस तरह से कनेक्शन होता है कि जो आपका क्या है पावर आगे से पीछे ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी बेल्ट रोप चेन नहीं लगा होता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो ऐसा क्या है, किस तरह के गियर होते हैं, तो सारे हम अच्छे से प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से वहां पे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, और उस प्लेलिस्ट में आपको इस टॉपिक का गियर का कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ए टू जेड टॉपिक का, ठीक है। तो उस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गियर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।